डैलस की गुजराती कम्युनिटी के लिए एक नाकाबिले फरामोश और शानदार कॉमेडी शो की शाम का अहतमाम किया 24/7 और मेरा बॉक्स ऑफिस इंटरटेनमेंट की जानिब से मशहूर गुजराती कॉमेडियन नौसद कोटिडिया और अरविंद शक्ला ने अपनी मजाहिया परफॉर्मेंस से हाजरीन को हंसी से लोटपोट कर दिया। छोकरी के अंकल अंकल तुम्हारे क्या जाऊं जी, बापा के पछिन या उतार से कौन वो तो उतार वाले के भेको आऊं मुकी कौन कोना पग खंजोल जाए ये खबर नहीं पड़ती। रुचि पैलेस में होने वाले इस इवेंट में हाजरीन ने इन कॉमेडियंस की जहानत और मजाह के अंदाज को भरपूर सराहा। दोनों फरकारों ने भी अपने दिलकश अंदाज में काबिल जिक्र मजाह के जरिए सामीन को मसूर कर दिया। બોલો તો હોટલ માં જઈને જો વેટર મેનુ મૂકી જાય, ઈ મેનુ મૂકીને તમારી બાજુમાં દબાવી ઉભો રહે અને ઈ તમારી બાજુ ઉભો રહે, હું મેનુ માં જોતો તો તે આ આ દબાવી નતો ઉભો, આ વેટર છે ને મેનુ મૂકીને આ ખંજોતો આમાં 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 ખંજોતો હતો, તે મારી ઘરવાળી એને પૂછ્યું કે ભાઈ ખરા જેવું છે ખરા જેવું, બોલો કે એમાં લખ્યું હશે તો હશે સુખ મો શરીરે ઘણું રણમલ સતાણ અને નાળિયુંમાં ઘણી છે નરવાયું, નાળિયુંમાં ઘણી છે નરવાયું। गुजरात में वनेला गाठिया खबर हो तो गूगल कर लेजो वनेला गाठिया અને ટ્રમ્પે સાથે કોઈ દેવા ખાધેલા નહીં, સીધા મોઢા મૂકે સીધા અંદર ઉતરી ગયા, એટલે એને મોદી સાહેબ ને પૂછ્યું કે વોટ ઇઝ ધીસ, મોદી સાહેબ કે ધીસ ઇઝ વાણેલા ગાંઠિયા, એના મગજમાં ગરી ગયા, વોશિંગ્ટન ડીસીમાં આવીને બધા સાંસદો ભેગા કર્યા અને ભાષણ ધપકાવી કે મિત્રો કોણ કે છે કે ગુજરાત ની અંદર એજ્યુકેશન ની કમી છે, ગુજરાત એજ્યુકેશન માં એટલું આગળ વધી ગયું છે, એટલું આગળ વધી ગયું છે કે ત્યાં હવારના પોરમાં ગાંઠિયા ભણેલા મળે છે। ટીમ તા ભાઈ નામ ટીમ મુંબઈ થી તમે જરાક આગળ આવો એટલે અમારું સુરત આવે, સુરત ની અંદર તમે આવો ને ભોરિયા લંડન થી આવ્યા સુરત માં, તો ભોરિયા આવ્યો તાપી નદી માં નાવા પડે, અમારે તાપી નદી છે, અહીં તમારી મિસિસિપી નદી છે ને તાપી નદી છે, તો ભોરિયા તાપી નદી નાવા પડ્યા ને તો ઉપરથી ઉકાઈ માંથી પાણી છોડ્યું હતું ડેમ માંથી, તો ભોરિયા તણાણા તો દરિયા બાજુ ગયા તો અવાજ માટે ખમોન ખમોન ખમોન, તેને ખમણ વાળો ઉભો તેને કે ખમણ ખાવ અહીંયા, બોલો કે બેહવા દો, અરે હું બેહવા દો ને, બોલો કે ભાઈ અમે બે પાણેલા છે, પાણેલા તો ઘરે જઈને બેહો, આ કોણ છે કે તમારી હેરે, બોલો કે મારી કઝિન વાઈફ છે, एक आदमी कचरा फेंकता है साला, दूसरा भी फेंक फेंक के चला जाता है, जहाँ कचरा देखा मावा खाया थूका, मावा खाया थूका, मोबाइल वालों ने रिंगटोन बना दी है, आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उसके मुंह में मावा है, मावा थूकने तक लाइन में बने रहे। हाँ मेरे बच्चे ने कहा पोपट लेगा, पोपट मैं पोपट लेने का, मैंने कितने का पोपट है, तो पोपट वाला 2 लाख रुपए का, 2 लाख्स, मैंने कहा पोपट में है क्या, बोले पोपट सॉलिड है, लेफ्ट पैर ऊंचा करो पुराने गाने सुनाता है, राइट पैर ऊंचा करो नए गाने सुनाता है।
मैंने कहा दोना ऊंचा करूं तो पूरे माँ बहन की सुनाता है। एक छोटी सी आइटम बता के मेरी बात को मैं विराम करूंगा। आज पहली बार कर रहा हूँ भाई, ईमान से ये मेरी झूठ नहीं जगह है, पहली बार कर रहा हूँ। आप इतने अच्छे लोग शायद वो चल पड़े तो कल के प्रोग्राम में करने के काम ऐसे भंडार करता रहता हूँ। अब ट्रंप साहब इलेक्शन जीत गए, सबको अच्छा होता है, मैं इलेक्शन में खड़ा रहा हूँ, कितनी सोचने वाली बात है। एक हमारी सोसाइटी में हमारे तो रोज इलेक्शन होते, उसको मना किया, बोले इलेक्शन में खड़ा हूँ इलेक्शन। मैंने कहा हार जाएगा, रहने देना, मैं खड़ा हूँ। खड़ा हुआ, हार गया, दुखी हो गया। मैंने कहा डिपोजिट चली गई, 13 वोट मिले, दुखी हो गया। बोले दुख इस बात का नहीं है मैं हार गया, दुख इस बात का नहीं है मुझे 13 वोट मिले, दुख इस बात का है कि मेरे घर में 15 लोग हैं, मेरे घर में पहले 15 मेरे विरुद्ध कौन है। जीत गए शत्रुघ्न सिन्हा साहब, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं, आपका प्यार आपकी दुआएं चाहूंगा, उसके बाद मैं मेरी बात विराम करूंगा और इससे बेहतरीन प्रोग्राम सुनो। शत्रुघ्न सिन्हा इलेक्शन में खड़े हुए, हमको कोई निशान रखना पड़ता है, आपके यहाँ पे अमेरिका में निशान नहीं होता है, हमारे यहाँ निशान शत्रुघ्न सिन्हा पिस्तौल रखिए। यू डिड बस बात, चुनाव में खड़ा हूं मेरा निशान है पिस्तौल, अगर मैं चुनाव में जीत गया तो दूध और दही की नदी बंद, बाद में हार गया तो खून की नदी, याद रहे मेरा निशान है पिस्तौल। राजकुमार खड़े, राजकुमार इलेक्शन में उनका निशान है जूता, उसमें एक आदमी ऐसे ही है वो सिक्योरिटी वाला होता है, गरीब को पकड़ेगा, गरीब को जो दबा हुआ उसको दबाएगा, गरीब को पकड़ेगा सिक्योरिटी। पार्किंग करो, पार्किंग करो रोज, ये पाइप क्यों सर, सिक्योरिटी रूम, सिक्योरिटी रात को गेट बंद था, वो सिक्योरिटी। अब ये कबूतर देख गया, कबूतर कबूतर देखा, रोज कबूतर देख रहा, देखिए मैं उसकी भाषा जानता हूं, कबूतर। एक दिन बताऊंगा इसको, एक दिन वो गांठ होता। जागो टाइम से गुफ्तगू करते हुए दोनों कॉमेडियन ने डेलस के शायकीन की तारीफ की। नौसत कोटिया ने कहा कि यहाँ के सामीन जबरदस्त थे। इवेंट हमारे एनडी भाई लालानी के द्वारा आज का शो हमारा प्रस्तुत था, बहुत अच्छा शो रहा, अच्छा क्राउड आया था, अच्छा ऑडियंस था। और तारीफ करूं कि आपकी मुझे अल्फाज नहीं मिलते, आप तो उस चमन के फूल हो जो बार बार नहीं खिलते, इतना अच्छा सरल सुंदर कार्यक्रम हुआ हमारा कि ये कार्यक्रम के अंदर लोगों ने इतनी तारीफ की और इतना अच्छा कार्यक्रम 3 घंटा नॉन स्टॉप कॉमेडी चला, मैं और मेरे साथ लाफ्टर चैलेंज फेम अरविंद भाई शुक्ला हम दोनों ने मिलकर ऐसा अच्छा कार्यक्रम किया। और डलास की जनता को हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि अच्छे सुनने वाले श्रोता भी हमको मिले आज, और इतना हमको उन लोगों ने हमको मतलब एंटरटेन के साथ साथ वो लोग इतनी तालियां बजा रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, तो हमको भी अंदर से इतना प्राउड हो रहा था कि हम लोग हंसा रहे और वो लोग हंस रहे, आनंद कर रहे। हंसना ही जिंदगी, हंस के गुजारो यारो, इतनी सी बात मेरी दिल में उतारो यारो। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। इन्होंने बोला कि आप एक बार हमारे डलास में आके शो करो, और 24/7 इवेंट का तो नाम मैंने सुना था, ये तो खैर सब लोग जानते हैं, पूरे अमेरिका के अंदर ये लोग एनडी भाई का नाम है, एनडी भाई लालानी बहुत बड़े बड़े स्टार को लेके आते हैं। और डलास की ये जो कला प्रिय जनता है, लोकप्रिय, लोगों को क्या है कि एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो एंटरटेनमेंट एनडी भाई लालानी और 27 इवेंट दे रहा है उनको। अच्छा अच्छा आर्टिस्ट को लेके आ रहे हैं सब जगह से, सब अलग अलग कंट्री से लेके आ रहे हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी अच्छा कोई आर्टिस्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट है उनको लेके आ रहे हैं और लोगों के सामने वो पेश करते हैं, और आर्टिस्ट को पेश करते हैं सामने ऐसा ही ऑडियंस उनको मिलता है, तो आर्टिस्ट को भी मजा आती है, ऑडियंस को भी मजा आता है, और दोनों के बीच में जो जरिया बनते हैं ना वो हमारे एनडी भाई लालानी है, तो उनको हम धन्यवाद शुक्राना अदा करते हैं कि सरस उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और अच्छा शो कराया। हंसने के लिए जो बोलना है ना वो बड़ी बात नहीं, लेकिन हंसाने के लिए अंदर से बहुत कुछ निकालना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती है, फैमिली प्रॉब्लम हो, हमारा और कोई प्रॉब्लम हो, वो सब हम साइड में रख के जब हम स्टेज पे आते हैं ना, तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि ऑडियंस जो यहाँ आए हैं, जो हमको सुनने आए हैं, उनको हमको एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि उनका समय है वो कीमती है, अपने लिए वो उनका समय बर्बाद अपन नहीं कर सकते। हम अरविंद शुक्ला ने कहा मिजा इनके खून में रचा बसा है। बस की ऑडियंस बहुत अच्छी है, मैं इससे पहले भी 3 मरतबा आ चुका हूँ यहाँ पर, और डलास के लोग क्या, यहाँ के हर शख्स बहुत ही अच्छा है, बिकॉज क्या है, उसको हंसना है। आप जानते हैं अमेरिका की लाइफ, राजा भाई कि इतना बिजी है, इतना व्यस्त है आदमी कि उसे फुर्सत नहीं मिलती है, हंसने का समय नहीं मिलता, बिकॉज हंसने का समय अगर निकाल ले तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं, बस यही हम लोग काम कर रहे हैं। गम तो यकीनन आप देखते हैं, जैसे कि मेरा नाम जोकर,
फिल्म राज कपूर जी की, अंदर से राजू रोता है, चार चार युवतियों से प्यार करता है, सभी लोग उसके दिल को खिलौना समझ के तोड़ के चली जाती हैं, तो कोई ना कोई हंसाने वाले हम हैं तो कोई ना कोई गम है, लेकिन गम को छुपा के चेहरे पे मुस्कुराहट करके लोगों तक पहुँचानी पड़ती है। तभी तो किसी ने कहा है, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंसना जिस्म का जेवर है, हंसना ना भूल जाया करो राजा भाई। 24/7 एंटरटेनमेंट के बानी एनडी लालानी ने शो की शानदार कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। बस मैं थैंक्स कहूंगा सर आपका, सबसे बड़ा आपका पहले थैंक्स कि आप लोग आते हैं, इतना टाइम देते हैं, हमारे लिए मार्केटिंग करते हैं, थैंक यू सो मच आपका और आपकी टीम का, रियली अप्रिशिएट। और उसके बाद हमारे क्या नाम है, इनके तो वैसे ही नाम है, हमारे शुक्ल भाई, बड़े भाई हमारे, बड़े एज में छोटे हैं लेकिन तजर्बे में बड़े हैं, बहुत ही लोगों को ऐसा एंटरटेन किया है कि लोग हिले नहीं है, और इतना रात को 12 बज रहे हैं, लोग यहाँ पे हिलने को तैयार नहीं थे, इन्होंने प्रोग्राम बन किया, लोग जाने को तैयार नहीं थे, तो थैंक यू सो मच अगेन। ऑफ कोर्स सर, इनसे तो अभी कांटेक्ट रहेगा क्योंकि पेमेंट तो लेते नहीं, इन्होंने बताया कि 500 भी कम हो गए तो और हमारा शुक्ला भाई बड़े अच्छे हैं भाई, ये तो खैर इनके तो मैं टीवी में भी पहले देखता रहा, बड़ी अच्छी की, तो थैंक्स अगेन, थैंक यू भाई, थैंक यू सर। प्रोग्राम के मेज़बान अजय मित्तल ने कहा कि इस इवेंट ने डेलस में सकाफती और तफरी प्रोग्रामों के लिए एक नया मियार कायम किया है जो हंसी तफरी और कम्युनिटी के तहत को फ़रोग देता है। कैमरामैन बिनाज बशीर के हमरा राजा जायद उत्तर खानजादा, जागो टाइम न्यूज़, डेलस टेक्सस, अमेरिका।